वो खूनी मंजर मेरी आंखों को अब तक नहीं भूला। इतनी बेदर्दी से इंसान ने इंसान का खून बहाया, दुल्हनों के सुहाग लुट गए, मासूम बच्चे यतीम हो गए, बूढ़े माँ बाप ने जवान औलाद को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते हुए देखा। अल्लाह ऐसे दिन कभी न दिखाए, चारों तरफ खून ही खून, आग ही आग, क्या बड़ा क्या छोटा, हर कोई बेघर हो गया। अल्लाह का शुक्र कर करो कि माँ हम अपनी जाने सही सलामत लेकर पाकिस्तान पहुँच गए। अब मेहनत मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालेंगे। हाँ ये तो ठीक है, पर मैंने कहा जी भाई खैरू और उसके बीवी बच्चों का भी तो कहीं पता लगाओ। जालंधर तक तो वो काफले के साथ ही थे, उसके बाद जब बलवाइयों ने काफले पे हमला किया तो फिर वो कहीं नजर नहीं आए। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, मेरे तो दोनों बच्चों का सुहाग भी उन्हीं के साथ है। इसीलिए तो सियाने कहते हैं बचपन की शादी अच्छी नहीं होती पर मुकद्दर का लिखा होकर रहता है। ओहो, मारे तो मुकद्दर खुल गए सरफू की माँ। यूँ कितना बड़ा बंगला मिल गया है रहने को और कितना सामान है यहाँ। मैं तो इन प्यालों में गुड़ की खीर पकाकर खाया करूंगी। ए जी जरा गौर से देखो कहीं ये सोने के तो नहीं। लगता तो मुझे सोना ही है। और देखो मेरा ख्याल है कि इस मकान में बड़ा बड़ा माल दबा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे दो एक रोज के बाद। ए जी क्या सचमुच ये मकान और ये सामान हमें मिल जाएगा? हमें कोई निकालेगा तो नहीं? अरे तोबा कर सरफू की माँ, भला महाजरों को कौन निकालता है। पर देख किसी से यूं ना कहना कि हम वहाँ भूखे नंगे थे, बस यही कहना कि हम तो वहाँ 50 बंगले छोड़ के आए हैं। जी 50 क्या, मैं तो पूरे 100 कहूँगी। हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। माँ ये देख पलतून, इसे पहनकर मैं साहब बनूंगा। अबे दिखा कैसी पलतून है बे। ए जी ये तो गले में पहनने की पलतून है। माँ माँ ये देख मुझे घड़ी मिली। अरे दिखा तो, ये तो 3 पीस है, इसे तो मैं गले में पहनूंगी। इसे चुप करो, ये तो बोलने लगे। माँ माँ ये डब्बा कैसा है? अबे ये डब्बा नहीं, ये रेडियो है। रेडियो ये बजता है, गाने गाता है। गाने गाता है? ए जी जरा इसे कहो ना हमें भी गाने सुनाए। ठहर जा मैं अभी इसकी कलमड़ ओढ़ता हूँ। अरे तू क्या सोच रही है? सोच रही हूँ ये दिन है या रात, कहीं अल्लाह मियाँ ने हमसे मजाक तो नहीं किया। अरे जब अल्लाह मियाँ देने पर आता है तो इसी तरह देता है। अब हम गरीब नहीं रहे, अमीर हो गए हैं। सरफू की माँ अब ये सब कुछ हमारा है। ऐ हमारा नहीं तो क्या किसी के बाप का है? मैंने कहा जी बुंदू भाई को भी इसी तरह कहीं से दौलत मिल गई होगी। हाँ बुंदू मेरा दोस्त मेरा समधी, अगर इस वक्त मुझे मिल जाए ना तो मैं उसको भी इसी बंगले में रख लूँ। समझ में नहीं आता खैरू और उसके बच्चे कहाँ चले गए। मुहाजिरों के कई कंपों में ढूंढा, अपने कस्बे का जो भी आदमी मिला उससे पूछा, पर उसका कोई पता ना चला। अब्बा अगर उनका पता ना चला तो मेरी बीवी कहाँ से आएगी? अल्लाह उन्हें जरूर मिलाएगा बेटे, मैं तो सुबह शाम यही दुआ मांगती हूँ। अरे ताबो जल्दी जल्दी बना गोलगप्पे। बना तो रही हूँ भैया जल्दी जल्दी, और क्या करूँ। जल्दी घान निकालना, दिन तो यही चढ़ गया है। बेटे तू रेडी पे सामान लगा, मुझे खुद जल्दी है। मेरे कल के सारे माल्टे बचे पड़े हैं, मैं आज उन्हें जरूर बेच के आऊंगा। अच्छा अब्बा देखूं पहले तू अपना सौदा बेच के आता है या मैं। ओ भैया आज मेरे लिए इतनी सारी चीजें लाई। इतनी सारी? हाँ। देख अम्मा ये भैया का बच्चा मुझे फिर ठेंगा दिखा रहा है। छोड़ मेरे
मेरी चुटकियां छोड़। अबे करमू तू जवान हो गया पर शरारतों से बाज नहीं आया। अरे अब्बा मुझे तो बड़े बड़े सांप भी शरारती गोलगप्पे वाला कहते हैं। गोलगप्पे बोलो कहते हैं। गोलगप्पे वाला गोलगप्पे वाला। गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे काल रे। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे काल रे। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। चोरी करना जुर्म है प्यारे मेहनत करके खाना। चोरी करना जुर्म है प्यारे मेहनत करके खाना। रूखी सूखी खाकर भैया लंबी ताल के सोना। रे भैया लंबी ताल के सोना। अरे आना नन्हे आना गोल गप्पे खाना। नन्नी को बुलाना अम्मी जान का भी लाना। आज ये सौदा जो खाएगा कल भी खाने आएगा। सच बोलता हूँ। आज ये सौदा जो खाएगा कल भी खाने आएगा। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे काल रे। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला। यार की बातों से भी बढ़िया मेरा मिर्च मसाला। कभी नहीं भूलेगा यारो आपको ये मतवाला। ओ यारो आपको ये मतवाला। अरे आजा गोरी छोरी खा ले जोरा जोरी। गोल गप्पा मेरा जैसे ठंडी या कटोरी। इमली के चटे हार ले ले आज मजा आ जाएगा। आज इमली के चटे हार ले ले आज मजा आ जाएगा। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे। बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे माल रे। गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया। आज तक इस उल्लू को चाय बनाने नहीं आई। अरे और अपना सोन के बच्चे चाय में इतनी चीनी क्यों डाल दी। अरे ना मुराद एक तो काम बिगाड़ता है ऊपर से घूंगी जबान चलाता है। खबरदार जो मेरे सामने जबान चलाई तो हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। अरे
की माँ, मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। वो बेचारा गुंगा बहरा नौकर है, तुम उसे हर वक्त डांटती रहती हो। तो क्या उसे सीने से लगाकर रखा करूँ? देखो बेगम, इंसान को किसी वक्त भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वो जमाना भी याद करो ना, जब हमारे पास तन ढांपने के लिए कपड़ा भी नहीं होता था। मेहनत मजदूरी करके वो मुश्किल रोटी नसीब होती थी। डैडी, आप पुरानी बातें क्यों याद किया करते हैं? अब तो खुदा ने हमें सब कुछ दे रखा है। ऐ बेटी, इनकी तो आदत ही कुछ ऐसी है, भला इन्हें कौन समझाए। हाँ, मैं तो अपनी इस आदत पर फख्र करता हूँ। मैं एक मामूली मजदूर था, खुदा ने मेरे दिन फेरे, मैंने भी हिम्मत और कोशिश की। नतीजा ये है कि आज मैं एक बहुत बड़ा ठेकेदार हूँ और गवर्नमेंट की तमाम नई इमारतों के कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है। ऐ अल्लाह, हमें इससे भी ज्यादा अमीर बनाए। मैंने कहा जी, तुमने अशरफ और अजीजा के बारे में भी कुछ सोचा? बुंदू और उसके बीवी बच्चों का तो आज तक पता नहीं चल सका। मैं तो इनके बचपन के निकाह करके आज तक पछता रहा हूँ। हमें इस मसले पर बड़ी संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। अब माशाल्लाह अजीजा भी जवान हो चुकी है और अशरफ भी। ये अशरफ और जरीना कहाँ है? जरीना तो अपनी सहेली से मिलने गई है और अशरफ अंदर सो रहा है। ये लड़का रात को देर से घर आता है और दिन भर सोता रहता है। अच्छा बेगम, मैं चला, मुझे 4 बजे एक मीटिंग में जाना है, शायद गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। सैशे 4 महकते दिलकश रंग लक्स सैशे आपकी खातिर। सेंट्रल एवेन्यू, नॉर्थ नर्मदा के सबसे खूबसूरत ब्लॉक बी में जियाउद्दीन अस्पताल से मल है 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। कीमत सिर्फ 1,25,000 रुपए से 3,25,000 अलावा कर्जा, बुकिंग 10,000 से। आसान महमद साहब, बुकिंग तफसीलात के लिए इरम डेवलपर्स, फोन 479211। ब्रूकबॉर्न की सुप्रीम नंबर 1 क्वालिटी अब 500 ग्राम के पैकेट में भी दस्तियाब, 3 रुपए की बचत के साथ। सुप्रीम, दुनिया की बेहतरीन चाय। बहुत मुश्किल है, देखो थोड़ी सी नेचुरल शेविंग क्रीम से ज्यादा झाग और फिर शेव 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 नर्म मुलायम एंटीसेप्टिक आफ्टर शेव। जरूरत ही नहीं, इतनी अच्छी खुशबू। नेचुरल एंटीसेप्टिक शेविंग क्रीम की एक ट्यूब 3 माह के लिए काफी है और फिर शेव शेव शेव। सेठ जी,
माल्टे बहुत अच्छे हैं, एक ही दर्जन बाकी रह गए। नहीं चाहिए भाई। सेठ जी देखो तो सही। बंधु खैरू मेरे दोस्त कहाँ हो तुम? मेरे यार मैंने तेरी तलाश में चप्पा चप्पा छान मारा, कहाँ रह गया था तू? और सुना तू किसी साहब का ड्राइवर हो गया है? नहीं बंधु ये मेरी कार है, तू किसी दिन मेरे बंगले पे तो आ, गुलबर्ग में आकर किसी से पूछ लेना कि ठेकेदार चौधरी खैरदीन का बंगला कहाँ है। क्या कह रहा है खैरू, क्या तू सच्ची मुच्ची का ठेकेदार बन गया है? हाँ बंधु तू किसी दिन आना तो सही, फिर अपनी आंखों से देख लेना। ये ले मेरे पते का कार्ड रख ले, इस पर मेरे बंगले का पता लिखा हुआ है। और सुना बच्चों का क्या हाल है? मेरी बहन अल्लाह रखी तो अच्छी है ना? सब मजे में है, बच्चे पढ़ लिख कर सियाने हो गए हैं। तू सुना करमू और ताबो कैसी है? अरे मेरा करमू तो बड़ा कमाऊ निकला है, 10-10, 15-15 रुपए रोज कमा लाता है। अच्छा बंधु मुझे जल्दी है, तू जरूर आना है। हाँ मैं जरूर आऊंगा। ठहरो, मेरी तरफ से बच्चों के लिए माल्टे लेता जा। नहीं बंधु माल्टे रहने दो। अरे नहीं भाई कैसे हो सकता। अरे कर्मों की बात खुश हो जा, खुश दुआएं कबूल हो गई तेरी, न्याज बांट बड़े पीर के नाम की। दादा अरे मेरा यार खैरू मिल गया, खैरू हमारा समझी। हम क्या झूठ, अब तू वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मोटरों में चढ़ता है बंगले में रहता है, मैं तो उसे देखकर पहचान भी ना सका। हाय अल्लाह क्या वो इसी शहर में रहते हैं? हाँ हाँ इसी लाहौर में, ये देख उसने अपने पते का कारक दिया है, कितना मजा आएगा कर्मों की माँ, समझियों का घर ऊंचा होगा तो अपनी भी बड़ी इज्जत होगी, तेरी ताबो खड़े घर में जाके राज करेगी राज, और मेरा कर्मों भी बड़े घर का दामाद कहलाएगा। क्यों जी लो तवे पर रोटी छोड़ के भाग गई, बड़ी आई शर्मी थी। अरे शर्माए ना तो और क्या करे, जब तेरे मेरे ब्याह की बात हुई थी तो तू भी तो इसी तरह शर्माई थी। अरे हटो भी, हाय हाय अरे तू क्यों शर्मा रहा है? ले कर्मू की माँ जितने पैसे जमा कर रखे हैं सब निकाल दे, और जल्दी जल्दी ताबो की रुखसती का सामान तैयार कर। अजी ये सब कुछ तो मैं 8 दिन में कर लूंगी, पर तुम कब चलोगे वहाँ? एक अच्छा सा जोड़ा कर्मू का भी तैयार कर ले, ताकि वो अपने ससुराल ठाट से जाए, और तू भी तो बरसों बाद मिलेगी अपनी सिमधन लल्ला रखी से। ये तो बड़ी मनहूस खबर सुना दी तुमने, भला उन भूखे नंगों से हमारी रिश्तेदारी कैसे हो सकती? ना जी ना, ना तो मैं अपनी बेटी उनके हाथ भेजूंगी और ना उनकी बेटी अपने घर बसाऊंगी। हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। बेटा बेटी के संजोग को कोई नहीं बदल सकता, और फिर ये क्यों भूलती हो कि बचपन में निकाह हो चुके हैं? जी वो तो भूल चूक की बात थी, और फिर निकाह में कौन से स्टाम्प लिखे गए थे उस वक्त? हाँ खुदा की अदालत में इंसान की जुबान ही सबसे बड़ा स्टाम्प होती है। लेकिन अब्बा जान इतना तो सोचिए, हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम सोसाइटी से डरते हो, मैं खुदा से डरता हूँ। इससे तो अच्छा है अब्बा जान कि आप मेरा गला घोंट दें। मैं भी ऐसी शादी से मौत बेहतर समझता हूँ। तो फिर जाओ मर जाओ सब, याद रखो इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। ज्यादा करना दिखाओ जी, घर की मालकिन मैं हूँ, यहाँ जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा, क्योंकि मैं औरत हूँ किसी और मिजाज। देखो जी अपने थान पर बंदी रहो, इस मामले में तुम्हारी एक नहीं चलेगी, बुंदू की बेटी मेरे घर आएगी और मेरी बेटी भी बुंदू के घर जाएगी। अब मेरी दुल्हन आएगी तो मेरे साथ बैठ के गोलगप्पे बनाया करेगी, फिर मेरी माँ को बहुत आराम हो जाएगा, और हाँ माँ वो तेरे पाँव भी दबाया करेगी, मैं उसे समझा दूंगा ना कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। पर ये भी जान ले वो बड़े बाप की बेटी है, कहीं तुझे अपना गुलाम ना बना ले। अरे नहीं माँ, कर्मू हमेशा तेरा गुलाम रहेगा, तू देखना तो सही मैं बहू से तेरी कितनी खिदमत करवाता हूँ। अरे अब्बा ये बंगला तो किसी लाट साहब का मालूम हो गया है, इसके अंदर मत जाइयो, कहीं देने के देने ना पड़ जाए। अरे कर्मू बेटा हम कोई चोर उचक्के तो नहीं है, अगर किसी गैर का घर होगा तो ज्यादा से ज्यादा हमें बाहर निकाल देगा,
किसी ने ठीक बताया है। तुम अंदर तो आओ। आओ जी। बेगम देख तो सही कौन आए हैं, पहचान दो जरा इन्हें। ये तेरा दामाद है और ये समधी समधन। मैंने कहा खाला सलाम। हाय अल्लाह, फूट गई मेरी बेटी की किस्मत, तुम इसे मेरा दामाद कह रहे हो जी? मैं तो तेरी सूरत देखने को तरस गई। ऐ पीछे हट के बात कर। हाँ, मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। बेगम क्या हो गया है तुम्हें कि अपनी समझन से तुम ऐसा ही सलूक करोगी? गोली मारो इस समझाने को और भार में झोंको इस दामाद को। जरा सूरत तो देखो इन घर से आरों की। ऐ बहन, मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी तेरे पास। तुझे मालूम भी है करमू मेरा कितना कमाऊ पूत है। तेरी बेटी को राज कराएगा राज। राज कराएगा राज, यही तो एक दामाद रह गया है ना मेरे लिए। मैं कहती हूँ जी, इन जंगलियों को फौरन घर से निकाल दो। हाँ, मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। हाँ बहन, दौलत ने तुम्हारा रहन सहन ही नहीं मिजाज भी बदल दिया है। और जब किसी का मिजाज बदल जाए तो उसकी आंखें भी बदल जाती है। बंधु भैया तुम बैठो तो सही, इसकी बातों का ख्याल न करो, इसकी तो कुछ आदत ही ऐसी है। ऐ अशरफ बेटे, देख तो सही तेरा बाप तेरे लिए क्या सौगात लाया है। ये तेरा बहनोई है और ये तेरे सास ससुर। आए जरा इधर तो अशरफ बेटे, मैं तेरी बलाएं तो ले लूं। क्यों जी, अब तो यकीन आया कि मेरा बेटा इन गवारों को खातर में नहीं लाएगा। हाँ देख आए हो भैया। दीदी जी, अगर इजाजत हो तो आपके दूल्हा को यहाँ बुला लाऊं, उसे अच्छी तरह देखकर दिल ठंडा कर लेना। अबे उगधे के बच्चे। हजूर इतना गुस्सा ना कीजिए, आपके बिया के दिन नजदीक आ रहे हैं। जुबान बंद कर, निकल जा बाहर। कितनी देर के लिए भी? अबे आज जाता है कि नहीं? तुम लोग ऐसे करो, 5-10 हजार रुपए हमसे ले लो और हमारी बेटी को तलाक दे दो। रही तुम्हारी बेटी उसे हम भर भुगत लेंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत है और हम इतने बेगैरत नहीं कि अपनी इज्जत का सौदा चुका दें। तो फिर कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी तुम्हारे घर हरगिज नहीं जाएगी, समझे? मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। ये तुम नहीं बोल रही हो, दौलत का गुरूर बोल रहा है। तुम दौलत के नशे में हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। लेकिन याद रखो, दौलत बरसात की धूप होती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जोरू के सामने तेरी जुबान भी बंद हो गई है खैरदीन। मैं कहता हूँ बोलता क्यों नहीं? जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, क्या तुझे वो दिन याद नहीं जब मेरे साथ मजदूरी करके पेट पाला करता था? और ये भी भूल गया तू मेरा पगड़ी बदल भाई बना था? और ये भी याद नहीं रहा तूने मेरे बेटे को दामाद और मेरी बेटी को अपनी बहू बनाया था? अगर तुझे ये सारी बातें याद नहीं
तो इसमें तेरा कसूर नहीं। तू उस वक्त चौधरी खैरदीन नहीं था, खैरू था। पता तूने मेरे उस खैरू दोस्त को कहां दफन कर दिया जो मेरी गरीबी का दोस्त और मेरा भाई था। आज मैं अपने खैरू दोस्त को कहां ढूंढूं, उसे कैसे जिंदा करूं। आज तो उसकी याद भी तेरी आंखों में आंसू बनकर तड़प उठी है। बस बंधु बस, मुझे और शर्मिंदा न करो। दुनिया बदल जाए मैं तुमसे नहीं बदलूंगा, मैं अपनी जुबान पर कायम रहूंगा। हम कर्मू को घर दामाद बना के रखेंगे और ये अजीजा के साथ हमारी नई कोठी में रहेगा। रहन सहन के तरीके हम खुद इसे सिखा लेंगे। लो, हमें क्या मुसीबत पड़ी है जो हम इस जानवर को आदमी बनाए। अला, ये जानवर तुम्हारे बहुत काम आएगा क्योंकि ये जानवर भी किसी खास मिजाज का। खबरदार जो मेरा मुंह लगा तो। हाँ, मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। जाओ बंधु, तुम अल्लाह का नाम लेकर रुखसती की तैयारियां करो और अगर रुपए पैसे की जरूरत हो तो वो भी मुझसे ले जाओ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। आज मेरा खैरू यार जिंदा हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त। कामयाबी कदम चूमती ही रहे, ये दुनिया तुझे देखती ही रहे। मेरी चाहत से है मेरी दुनिया में रंग। डालडा बनस्पति, लज्जत की रिवायत, सेहत खुशी और रौनक का राज। तुम्हें हो तुम पे है नाज। जहां मांगता गुलशन अमीन प्लाजा के सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स, बेहतरीन रिहायशी सहूलतों के साथ चार और पांच कमरे, राशिद मिन्हास रोड पर गुलशन इकबाल और फैदी बियोरिया का संगम, गुलशन अमीन प्लाजा। न्यू सलानेट, न्यू नेट के बाद अब सलानेट। नया जापानी हाई बल्क फाइबर 40 ग्राम में भी ज्यादा बुनाई। एबीसी सलानेट। सबका जाना सबका माना वेज डीप फ्रीजर। आंख बंद करके खरीद ले वेज, नाम ही काफी है। मम्मी, अब्बा जान ने ये क्या फैसला कर दिया, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब्बा जान का ये फैसला मैं कभी नहीं मानूंगी। तुम्हारे अब्बा भी तो मजबूर हैं बेटी। अगर बचपने में तुम्हारा निकाह ना हो चुका होता तो हम तुम्हें किसी कीमत पर भी एक गरीब मजदूर के हवाले न करते। अब तुम्हें और अशरफ को ये जहर का घूंट शरबत समझकर पीना ही पड़ेगा। मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी मम्मी, और किसी को क्या बताऊंगी कि मेरा शौहर कौन है। इसीलिए तो ये फैसला किया गया है कि ना अशरफ की बारात वहां जाएगी और ना वो बारात लेकर यहाँ आएंगे। तुम्हारी चंद सहेलियों को बुलाकर तुम्हें दुल्हन बना दिया जाएगा मम्मी। शर्म आती? अरे पगले, तू क्यों शर्माता है? कहीं लड़के भी शर्माया करते हैं। अच्छा, चले माँ, मैं नहीं शर्माता, मगर तू मुझे इतना तो समझा दे कि मैं अंदर दुल्हन को जाकर कहूंगा क्या। देख, दुल्हन के सामने कोई ऐसी ऐसी हरकत ना कर बैठना। वो बड़े बाप की बेटी है, तेरी किसी बात का बुरा मान गई अच्छा ना होगा। तू कोई फिक्र न कर माँ, वो तो मुझे देखते ही खुश हो जाएगी। हाँ बेटे, अगर तू अपनी बीवी को खुश रखेगा तो तेरी बहन भी खुश रहेगी। ये अदले बदले की शादी है, तेरी बहन का सुख इसी में है कि तू उनकी बेटी को सुखी रखे। अरे तू देखना तो सही माँ, मैं दुल्हन को कितना खुश रखता हूँ। मैं तो सारी उम्र उसका गुलाम बन कर रहूंगा। ले माँ, मैं अंदर जाता हूँ। जा बेटे, अल्लाह तेरी जोड़ी बनाए रखे। तो फिर मैं जाऊँ माँ, और कुछ तो नहीं समझाना मुझे? जा बेटे, जा।
सलाम जी। ये क्या बदतमीजी है जी? दांत क्यों खा रहे हो? बैठ जाओ आराम से। जी मैं बैठ जाऊँ? अच्छा जी। The taste that clicks, chick chick, smile your lips, chick chick. Everybody loves to have it in the pocket. Chicklets, chicklets, chick chick, chicklets. Just showing fun, chick chick, with a chewing gum, chick chick. For him, for her, for them, for us. Chicklets, chicklets, chick chick, chicklets. The taste that clicks, the taste that chicks, Chiclets, available in a variety of flavors. Central Avenue. Central Avenue. North Nazabad mein, booking da silat se. Booking to silat ke liye, Iram Developers phone 479211. Soup peene ko dil cha raha hai. चाइनीज चलते हैं। चाइनीज जाने की क्या जरूरत है, मैं अभी लाई। तो नॉर सूप के पैकेट से आप अपना पसंदीदा सूप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। एक प्याला पानी में पेस्ट बनाकर दो कप उबलते हुए पानी में मिला दें। पाँच मिनट बाद अंडा मिला लें और सूप तैयार। इतनी जल्दी क्या घर में बनाया है? इतना मजेदार सूप आपने खुद बनाया है? अबू को बता दो कि एक नॉर सूप का कमाल है। और सूप चाहिए तो खामोश रहो। सूप की लज़्ज़त, तैयारी में सहूलत, कनौर सूप। बाप के इंतखाब के, जिन्होंने तुझे मेरे सर का बोझ, कंधों का बवाल और छाती का पत्थर बनाया है। तू भी अपने दिल में बहुत खुश होगी कि मैं एक बड़े घर की बहू बनकर आई हूं। तू सोच रही होगी कि मैं इस घर की मालकिन बनूंगी, मेरे आगे पीछे नौकर जा करूंगी और मैं सब पर हुकूमत करूंगी। क्या कह रहे हैं सरताज? याद रखो, मेरे और तुम्हारे दरमियान मशरिक और मगरिब का फासला है। कहने को मैं तुम्हारा खामिन जरूर, लेकिन यकीन रखो मैं तुम्हारा खामिन नहीं बन सकता। मैं तो आपकी बांदी बनकर जिंदगी गुजार दूंगी सरताज। एक जाहिल और गंवार लड़की बांदी और कनीज के सवार बन भी जा सकती है। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जी, यूं ही जरा देख रहा था कि कोई सर में जूं तो नहीं है। इडियट, ये एडिट क्या होता है जी? तुम्हारा सर होता है। मेरा सर? हाँ होता है होता है, मगर जरा सोम कर देखो, आज मैंने अपने सर में दिन का राजा रात की रानी राजा का तेल डाला था। कल से इसमें मिट्टी का तेल डाला करो। मिट्टी का तेल? अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, जैसे आपका हुक्म। जैसे आपका हुक्म, किन जाहिलों से वास्ता पड़ गया है? पड़ गया, पड़ गया।
जगजम की रतिया ऐसे में काहे सजनवा रूठे हाय आ कर ले प्यार की बत्तियां मेरी मान ले जुल्मी बात रे मेरी मान ले जुल्मी बात रे आ थाम ले मेरा हाथ रे आ थाम ले मेरा हाथ रे कहीं बीत न जाए रात रे कहीं बीत न जाए रात रे मेरी मान ले जुल्मी बात रे गाती हो जी एक बार फिर तो सुना दो गाना कौन सा गाना तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया खबरदार जो मेरी नींद में खलल डाला हाफिला खुद ये ख्वाब था बदमाश ने मेरी जेब काट कर मेरा 2000 रुपया उड़ा लिया है अब मैं घर से और पैसे भी नहीं मंगा सकता अच्छा तो मैं कुछ न कुछ कर दूंगी इस वक्त तुम चले जाओ मगर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है अच्छा तो लो फिलहाल इन्हें बेचकर काम चलाओ परसों आना तो मैं कुछ रुपया और दे दूंगी चूड़ियां नहीं ले लू ना अच्छा अगर तुम कहती हो तो ले लेता तो फिर परसों मांग रही हैं बीबी हजूर
ये लीजिए अखबार। तुम जाओ घसीटा, चाय बनाओ। तुम जाओ जी। जाओ, मैं चाय बनाऊंगा। हो गई जहालत की। मैं पूछता हूँ, ये आदमी में पलकर आई है या जंगली जानवरों में? जाने दो भैया, ये बेचारी किसी पढ़े लिखे शरीफ खानदान से तो आई नहीं। हमें देख देख कर ही सीखेगी ना। हाँ सीखेगी। नाश्ते का सत्यानाश करके रख दिया। नाश्ता तो कभी इसके बड़ों को भी नसीब नहीं हुआ। ये क्या जाने नाश्ता किस चिड़िया का नाम है। ये तो उन्होंने हमारे सर पर एक अजाब भेज दिया। जाने दो मम्मी, मैं भाभी को सब कुछ सिखा दूंगी। तू क्या सिखाएगी री, कभी जानवर भी आदमी बने हैं और फिर किस किस को सिखाएगी। बहन से ज्यादा भाई कूड़ मगज है। उधर मेरी अजीजा को मुसीबत पड़ी होगी। You can see it on the streets or someone that you meet. Bring back all the memories gone by. Make sure that's a written on your face. The Sanyo Premier Collection, bringing you our best for the best parts of your life. Ultra Surf Economy Poly Bag. Touch Me Natural Toothpaste, International Brush Pack, International Quality. इसे यू बांधते हैं और इसका नाम है नकटाई, समझे? ये है तो कुत्ते के पट्टे की तरह, मगर नाम बहुत खूबसूरत है। क्या कहते हैं, नटकाई? नटकाई नहीं, नकटाई। चलो तुम ताई को। ताई? ताई फूफी खाला नहीं, ताई टी के साथ। ताई टी का साथ? टी कहा माना ना दुल्हन रानी? टी का साथ। हद हो गई जहालत की। देखो सूट के साथ ताई जरूर बांधनी चाहिए। बहुत अच्छा जी, मैं तो अब इसे सारी उम्र नहीं खोलूंगा।
सच कहा है किसी ने, बेवकूफों के सर पे सींग नहीं होती। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, के सिवा कुछ और भी आता है तुम्हें? ये लो, इसे हर वक्त जेब में लगाया करो। इसे तो इंडियन पेन कहते हैं, मगर मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे तो लिखना ही नहीं आता। तुम लोगों पर यही साबित करो कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो। और सुनो, आज से तुम्हारा नाम करमू नहीं चौधरी करमदीन है। अगर तुम्हें कोई करमू कहे उसे फौरन डांट दिया करो। बस जी, मैं उसे फौरन डांट दिया करूँगा। हाय करमू बेटे। कौन बदतमीज है जी? देख माँ, आज से मुझे करमू ना कहना वरना मैं डांट दूंगा। अब मेरा नाम करमू नहीं चौधरी करमदीन है। अच्छा बेटे, अल्लाह तुझे चौधरियों का चौधरी बनाए। हाँ, मैं ये कहने आई थी कि मैं अब घर जा रही हूँ, तेरे बाप की रोटी पानी की भी कुछ खबर लूँ। अच्छा माँ, अब्बा को मेरा सलाम कह देना और तमाम मोहल्ले वाले को वालेकुम सलाम कह देना। अच्छा दुल्हन, खुदा तुम्हें खुश रखे। बहुत अच्छा जी। देखा भाभी, कितना फिट आया है ड्रेस। इसे आजकल की जुबान में टेडी ड्रेस कहा जाता है, समझी? टिड्डी? ए ड्रेस, टिड्डी नहीं टेडी। अब इस ड्रेस में चलने की प्रैक्टिस करो, आओ मेरे साथ साथ चलो। मुझसे ऐसे तंग कपड़े नहीं पहने जाते। अच्छी भिल्लू, मुझे तो वही खीरा ढाला कुर्ता और तंग पजामा पहना दो। भाभी, इस घर में ऐसा पहनावा नहीं चलेगा। हमारी मम्मी तो लिबास का इतना ख्याल रखती है कि कभी कभी रात को वो साड़ी बांधकर ही सो जाती है, क्योंकि उन्हें गंवारपन कतई पसंद नहीं। मेरे बच्चों को गंवार दुल्हन एक आंख नहीं भाई। मैं कहती हूँ, काट की बिल्ली तो तुमने बना दी, पर अब म्यों कौन करेगा? जरा आंख मिला के बात करो मुझसे, मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। अरे बेगम, अशरफ को समझाओ, इस जमाने में मेहताब जैसी सीधी सादी बेजुबान और शरीफ लड़कियाँ मिलती ही कहाँ हैं? जी हाँ, एक फरिश्ता तुम्हारी बहू, दूसरा फरिश्ता तुम्हारा दामाद। तुम तो दिन रात बहू के गीत गाओ और दामाद के ढोल बजाओ। थे 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 ढोल। खे खोल पे 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 पोल। लो बेगम साहबा, आज का सबक मैंने मुकम्मल याद कर लिया है। कहो तो आंखें बंद करके सुना दूं? अंग्रेजी का सबक भी याद करो। अच्छा जी, अंग्रेजी का सबक तो मैं फटाफट याद कर लूंगा, तुम डोंट फिक्र करो। देखो, मैं जरा मम्मी की तरफ जा रही हूँ, मेरे आने तक सारा सबक अच्छी तरह याद कर लेना। बहुत अच्छा जी, जरूर याद कर लूंगा। बेगम साहबा जी, मैंने कहा आज अगर इजाजत हो तो मैं भी अपने माँ बाप से मिलाऊं, जल्दी लौट आऊंगा। मिलाओ, लेकिन वहां से कोई नई बदतमीजी सीख के ना आ जाना। तौबा करो जी, अब तो मैं उनको भी अपनी तरह तमीज सिखा कर आऊंगा। आज तो कल से भी तेज बुखार है, दवाई के लिए पैसा भी कोई नहीं, पड़ोसन से रोज रोज आटा भी उधार मांगते शर्माती है। इस वक्त मेरा कर्मू होता तो जमीन की छाती चीर कर भी मेरे लिए सब कुछ पैदा कर लाता। क्या खबर थी, बेटी की रुख्सती के साथ बेटे को भी हाथ से खोना पड़ेगा। कर्मू और महताब की सूरत देखे भी 15 दिन हो गए, तो किसी वक्त जाकर उनसे मिलाना। मेरा बस चले तो उड़ कर चली जाओ, और तुम तो जानते हो सिमरन हमें किन आंखों से देखती है, हमारा वहां आना जाना उन्हें पसंद नहीं। खैरू की आंख में तो फिर भी कुछ लिहाज है, पर अल्लाह रखी ने तो पत्थर के दीदे कर लिए हैं, वो तो अपनी औकात ही भूल गई। मेरे बेटे, माँ सदके, माँ वारी मेरे लाल। अब्बा को क्या हुआ? तेरा बाप तो कई दिन से बीमार है बेटे। अब्बा, क्या
क्या बात है, मुझे क्यों ना खबर कर दी? मामूली बुखार है बेटे, दो एक रोज में ठीक हो जाऊंगा। तू अपनी सुना, तू तो ठीक है ना? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी दुल्हन तो तुझसे खुश है ना? वो तो मुझसे बहुत खुश है माँ, मेरा बहुत ख्याल रखती है। जरा सी गलती कर दूं फौरन डांट देती है। ये देख माँ कैसी कैसी वर्दियां पहना रखी है उसने, और ये देख रही हूँ देह लपटा और वो गोल सी हमजा के ऊपर ये टाई टाई टाई, ये बड़े आदमियों की निशानी है माँ। तेरी बहू ने मुझे अंग्रेजी भी पढ़ानी शुरू कर दी है, ABCDYXZ, मुझे सब कुछ आ गया है माँ। तेरी बहू मुझे कहती थी मैं तुझे बिल्कुल इंसान और आदमी बना दूंगी। अच्छा ये तो बता, बहन का क्या हाल है, उसकी तरफ भी गया था या नहीं? माँ मुझे तो पढ़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ तुम्हारी बहू आज उधर गई है। क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो पागल हो गई। सुबह से शाम तक उस बेवकूफ से अपना सर खपाती, इतना जाहिल आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सुन लो अब, मेरा बस चले तो बहू का गला घूट दूं और दामाद को भी किसी अंधे कुएं में फेंक दूं। हाँ इसलिए कि तुम औरत हो किसी और मिजाज की। सुनो बेगम, मुझे अजीजा और अशरफ से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया। अब्बा जान आपने अपनी खुशी तो पूरी कर ली, लेकिन हमें जिंदगी भर का रोक दे दिया। जरा देखी तो सही वो गंवार क्या कर रही है। जमीला अच्छी तो हो अजीजा, मैं तो हर रोज रीना से तुम्हारे बारे में पूछा करती थी। नरगिस फरीदा और रुखसाना तो ठीक है ना? सब ठीक है, और अब सब मेरी कोठी पर आ रही है। तुम भी चलो, जरूर चलूंगी। तुम भी चलो जरीना। हाँ नहीं बाजी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे तो आज अपनी एक और फ्रेंड से मिलने जाना है। अच्छा तुम तो चलो, देर मत करो। तूने बड़ी गलती की है माँ, मुझे खबर भेज दी होती तो मैं दुल्हन से कुछ रुपए लेके आ जाता। नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात फिर ना सोचना। हमने उस घर में बेटी ब्याह रखी है, माँ बाप बेटी को दिया करते हैं, लिया नहीं करते। मगर अब्बा मैं भी तो उन्हीं के घर का खाता हूँ। तेरी बात और है बेटे, तू उस घर का दामाद है, हमारे लिए बेटी के घर का खाना अच्छा नहीं। हमारा हक तेरी कमाई पर है, पर अफसोस अब तो वो भी हमारे मुकद्दर में नहीं रही। वो क्यों बाबा? वो हालात से मजबूर है बेटे, हम तो बेटा बेटी की खुशियों पर सब कुछ कुर्बान कर चुके। पर कर्मू अपने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकता। मैं आज भी मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए अपनी कमाई के पैसों से दवाई लाऊंगा। अब्बा लोग चौधरी खैरदीन के दामाद को कर्मू गोलगप्पे वाला ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। वो मेरे पुराने कपड़े निकाल दे माँ और चूल्हा गर्म कर, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। हमें तो तुम्हारी शादी का कोई मजा नहीं आया, ना बरात आई ना डोली उठी, बन्नू चुपचाप से दुल्हन बन गए। वही निकाह जो बचपन में हो चुका, अब तो बस रुखसती होने की। जरा ये तो बताओ तुम्हारे मियाँ तुमसे कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं मुझसे, सच्ची बड़े प्यारे हैं वो। पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा होंगे। हाँ MA करके छोड़ दिया था, घर के रईस तो ठहरे। बात तो उर्दू में करते होंगे? नहीं इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं। गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला। अरे गोलगप्पे वाला आया, चलो जरा मुँह का जायका बदले जा। ऋषिता उसे यही बुला लो।
गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे गाल रे गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया तले है लंबी सड़के करते हैं मजबूरी पांव तले है लंबी सड़के करते हैं मजबूरी जिंदा रहना है तो भैया करता जा मजदूरी रे भैया करता जा मजदूरी अरे आओ बीबी आओ 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 ना शर्माओ बाबू को भी लाओ मेरे गोल गप्पे खाओ लेडी खाए साहब खाए जो खाए सुख पाएगा लेडी खाए साहब खाए जो खाए सुख पाएगा गोल गप्पे वाला आया गोल गप्पे लाया गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे लो मैम साहब तुम भी खाओ बड़े करारे गोलगप्पे हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगी अरे नखरे क्यों करती है पकड़ प्याली नहीं मेरा गला खराब है अजी मेम साहब जरा ये मेरा 12 मसाले का पानी पीकर तो देखो गला एकदम साफ हो जाएगा ज्यादा बातें ना बनाओ अरे वो तो इस बिचारी से लड़ने लगी ये मेम साहब का गुस्सा बड़ा खराब है जी बिचारी की नई नई शादी हुई है ना तो शादी करा के क्या गुस्सा और तेज हो जाता है जी जुबान बंद करेगा या नहीं हो गई जी आदमी तू भी खूब है तेरी शादी हुई के नहीं मेरी शादी नहीं जी नहीं मैं तो कई बार इस हादसे से बाल बाल बचा हूँ वो कैसे अजीब बहुत सी लड़कियों के रिश्ते आए पर अपने को तो कोई जची ही नहीं अरे बड़ी ऊंची शान है तेरी आप जैसे ग्राहकों को देख देख कर दिमाग बहुत ऊंचा हो गया है मेरा अच्छा आप लोग हंसते रहिए मैम साहब आप मुझे माफ कर दें और मैं आपको पैसे माफ कर देता हूँ अच्छा अच्छा जी खुदा हाफिज खुदा जाने क्या होने वाला है गोल गप्पे आज तो मुझे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है अल्लाह ही रहम करे अगर मेहनत मजदूरी करना जुर्म है तो मैं आपका मुजरिम हूँ बेगम साहब आज एक बहुत बड़ी मजबूरी आन पड़ी थी इसलिए मुझे ये जुर्म करना पड़ा क्या फाकों से तेरी जान निकल रही थी जब पेट भरने के लिए तुझे गोलगप्पे बेचने पड़े मेरा बाप बहुत सख्त बीमार था घर में उनके पास दवा दारू आटे दाल के लिए एक पैसा तक नहीं था तुम दवाई के लिए मुझसे पैसे ले सकते थे और आटा दाल भी यहाँ से ले जा सकते थे लेकिन मेरे माँ बाप को ये गवारा नहीं कि मैं तुम्हारे पैसे उनकी कोई इमदाद करूं। वो इतने ही गैरतमंद थे तो चौधरी हैदिन की बेटी को बहू बनाने से पहले एक शानदार महल बनवाते और उस महल में डोला उतारते बहू का मेरे माँ बाप की नादारी का मजाक ना उड़ाओ बेगम साहब गरीब की गैरत जिंदा रहने दो मैंने कुछ चोरी नहीं की डाका नहीं डाला अपने बीमार बाप को दवा पिलाने के लिए मजदूरी की है और मेहनत मजदूरी बलियों ने की है पैगंबरों ने की है बड़े बड़े बादशाहों ने की है बंद करो ये तकरीर अगर तुम इन जलील हरकतों से बाज ना आए तो तुम्हारी बहन से वो सलूक किया जाएगा कि तुम हमेशा याद करोगे नहीं नहीं आपका मुजरिम मैं हूँ मुझे सजा दीजिए मेरी बहन का कोई कसूर नहीं उसे माफ रखिए मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा
जरीना। तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ भाभी, नींद नहीं आती। लेकिन तुम भैया का इंतजार कब तक करोगी? 12 बज चुके हैं, खाना खाकर सो जाओ। खाना तो मैं उनके आने पर ही खाऊंगी। तुम ये तो बताओ, क्या शादी से पहले भी तुम्हारे भाईजान इतनी रात तक घर से बाहर रहते थे? नहीं भाभी, शादी से पहले तो वो सरे शाम ही घर आ जाया करते थे। घर से नफरत तो उन्हें अभी हुई है। नहीं, घर से नहीं, उन्हें घर वाली से नफरत है। न जाने कहां चले जाते हैं और वो अब तक घर नहीं आए। मैं यहाँ कई रातों से मुतवातर आ रहा हूँ। तुम नींद में बेखबर सोई रहती और मैं इंतजार करके चला जाता हूँ। तुम आज फिर गलत मौके पर आ गए। भाईजान घर पर नहीं, अगर अचानक वो आ गए तो हम पकड़े जाएंगे। क्या मुसीबत है जरीना, मैं अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आता हूँ। जब से तुम्हारे स्कूल में छुट्टियाँ हुई हैं, तुम तो मेरे लिए ईद का चांद हो गई हो। घबराओ नहीं यूसुफ, मैं आज भी तुम्हारी हूँ, कल भी तुम्हारी हूँ। अच्छा, अब तुम जाओ। कौन है जो तुम्हें मोहब्बत का फरेब देकर रात के अंधेरे में इस खानदान की इज्जत पर कमंडे फेंकने आता है? भाभी, ऊंची आवाज में मत बोलो, वरना मैं तुमसे दुगनी आवाज में शोर मचाकर सारे घर को जगा सकती हूँ। तुम कौन होती हो मुझे धमकाने वाली? मैं इस खानदान की इज्जत की निगहबान। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि मेरी ना समझ नंद मेरे शोहर के माथे पर रुसवाई का दाग लगा। खामोश, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। होश में आओ सरीना, बूढ़े माँ बाप के बालों के सफेदी दाव पर लगाने से पहले अपने मकाम पर वापस लौटाओ। अगर मैं ऐसा न करूं तो समझ लो आज से इस घर में तुम्हारा एक दुश्मन पैदा हो गया है जो तुम्हें कदम कदम पर टोकेगा। तुम्हें यह सौदा बहुत महंगा पड़ेगा भाभी। अगर इस सौदे में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा जाओ, मैं भी देख लूंगी तुम कितने पानी में हो। और लगाओ प्यारे, माल लगाने वाले को माल मिलता है। अपनी जेबें तो खाली हो गई हैं बदलू भैया। कल रात अपनी माशूका से कुछ माल लिया था, पर न जाने वो बटुआ कहाँ गायब हो गया। यूसुफ, तुम तो बहुत ढीले हो गए हो, जल्दी से लाओ ना कोई लौंडिया। अरे आपके वो लौंडिया ढूंढी है, वो लौंडिया ढूंढी है कि देख कर नशा आ जाएगा तुम्हें। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का पूरा पूरा यकीन दिला दिया है और अब तो मेरे साथ घर से भागने पर तैयार हो गई है।
काबू। हाय भैया, भैया जाओ, हम तुमसे नहीं बोलते। अरे क्यों? इतने दिनों के बाद सूरत दिखाइए, शादी करा के बहन को भूल ही गए। अरे तू तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, मैं तुझे भूल सकता हूँ क्या? सच भैया, बैठो। और सुना, अम्मा अब्बा का क्या हाल है? तुम उनसे मिले भी थे कि नहीं? अब्बा को जरा बुखार हो गया था, अब आराम है। वो दोनों तुझे बहुत याद करते हैं। अब तो बुखार नहीं है अब्बा को? नहीं नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया। ताबू, क्या बात है, तेरे मियाँ ने मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। अरे इनकी तो आदत ही कुछ ऐसी है, तुम कोई ख्याल न करो भैया। अच्छा तेरे साथ क्या बर्ताव है इन लोगों का? मेरे साथ? अरे मैं तो सारे घर की आंख का तारा बनी हुई हूँ। सास ससुर नंद सभी तो प्यार करते हैं मुझे। सच? सच भैया। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरे। अच्छा तो हमारे खिलाफ कान भरे जा रहे हैं भैया के? हाँ हाँ, खूब कान भरो, अच्छी तरह से चुगलियाँ खाओ हमारी, मगर इतना याद रखो मेरा नाम अल्लाह रखी है और मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। आप क्या कह रही हैं अम्मी? महताब ने तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की खाला। बात बात रहने दो बहन की सफाई, खाली पेट डकारने वाले लोग हो ना, झोंपड़ी से निकलकर महलों में आ गए तो मिजाज ही बिगड़ गया। मैं शुक्र ना दी दे कहीं की। भैया मुझे मालूम हो गया है कि यहाँ तुम कितनी सुखी हो और इस घर में तुम्हारी क्या इज्जत है। भैया सुनो जी, तुम्हारी वो चहेती बहू अपने भैया के सामने हमारी बुराइयां कर रही है। अल्लाह की मार है ऐसी मालजादी पर। तुम तो बस हर वक्त बहू के पीछे पड़ी रहती हो, जरा अपने बेटे से तो पूछो कि रात भर कहाँ गायब रहा है। देखो जी, मेरे सामने बहू की इतनी तरफदारी ना किया करो। हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। खुदा के लिए चुप रहो, मेरी जेब से बटुआ गायब है। हैं? बटुआ गायब है? ऐसा ऐड कहाँ होगा, उसे कई मुई ने चुराया होगा। भूखे नंगों की लड़कियाँ ससुराल का माल चुरा कर अपने पिछड़ों का घर भरा करती हैं। देखो बेगम, ऐसी बात फिर न कहना, बेचारी बहू पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। ये बटुआ तो अब्बा जान का है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ, उनकी जेब से गिर गया होगा। तो ले फिर उन्हें दे देना। हाँ अल्लाह, आखिर वही बात हुई ना जिस बात का मेरा दिल धड़कता था। अशरफ के अब्बा, जल्दी आओ, बटुआ मिल गया है। लो अब अपनी आंखों से देख लो, चोर भी खड़ा है और चोरी का माल भी मौजूद है। ये चोटी तुम्हारा बटुआ चुरा कर अपने भैया को दे रही थी। हाँ लेकिन ये बटुआ महताब ने तो नहीं चुराया, बाहर पड़ा हुआ था, मैं उठा कर लाया हूँ। भला अब्बा जान का बटुआ बाहर कौन फेंक सकता है? क्यों भाईजान? भैया सच कह रहे हैं, ये बटुआ इन्हें बाहर से मिला। हाँ हाँ, ये बटुआ किसी फरिश्ते ने दे दिया होगा इसके हाथ में। अरे कमीनी मालजादी, तू मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती है। खाला भिखारी की औलाद, बहन को चोरी सिखाने आता है। भैया मेरी बात तो सुनो, निकल जाओ। भैया मेरी बात सुनो, अच्छा भैया निकल जाओ। भैया मैं कहता हूँ निकल जाओ। चोरी की हुई, तुझे तेरे माँ बाप ने चोरी भी सिखा रखी है, शर्म नहीं आती तुझे? बेगम बेगम अब बस करो, अब जाने दो। क्या खा रहा हूँ तो अपनी बहन को खुश देखने के लिए इस घर में बुद्धू बनकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। जब वो मेरी बहन पर इस तरह जुल्म करेंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, मैं भी अजीता के साथ ऐसा ही सलूक करूंगा। अजीता, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? कहीं सैर तफरी करने गई होंगी साहब की। आज के बाद ये सैर सपाटे खत्म हो जाएंगे, अब वो मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकेगी। खैर साहब जी, इस घर में कर्फ्यू लगाने का इरादा क्यों हो रहा है? पको मत, चले जाओ यहां से और ये चाय भी ले जाओ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर मैंने अजीजा पर सख्ती की तो वो लोग मेरी बहन पर और ज्यादा सख्तियां करेंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी बहन पर सख्तियां नहीं होने दूंगा, मैं अपने जज्बात को कुचल दूंगा। मैं खा
खामोश रहूंगा, बिल्कुल खामोश। उनकी औलाद चोर नहीं हो सकती, लेकिन आंखें कहती हैं कि बटुआ उसके हाथ में था। हो सकता है कि गरीबी और नादारी के हाथों बंधु सख्त तकलीफ में हो। मेरा पुराना दोस्त है, मेरा पगड़ी बदल भाई है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। सूरत तो देखो, दुनिया जहान की फिटकार बरस रही। मैं पूछती हूँ, तुझे कमीज में इस्त्री करने भी नहीं आती? मम्मी, इससे मेरा कोई काम न कराया करो, कोई काम भी तो इसे ढंग का नहीं आता। अरे बेटे, ये छोटे मोटे काम तो मैं अपनी जरीना से करा लेती हूँ, पर आज वो अपनी किसी सहेली के यहाँ चली गई। एक जमाना, एक जमाना हो गया। नहीं खबर कब मिली नगर और दिल दीवाना हो गया। नहीं खबर में बाहें लंबी राहें चले हैं हंसते गाते। बाहों में बाहें लंबी राहें चले हैं हंसते गाते। मर जाऊंगी देख लिया जो किसी से आंख मिलाते। जैसे प्यार हुए हमें एक जमाना हो गया। नहीं खबर कब मिली नगर और दिल दीवाना हो गया। नहीं खबर मचले धक धक धड़के दिल भी नहीं है बसने। जब से मेरे दिल में तेरा आना जाना हो गया। नहीं खबर कब मिली नजर और दिल दीवाना हो गया। ऐसे है जैसे प्यार हुए हमें एक जमाना हो गया। नहीं खबर कब मिली नगर और दिल दीवाना हो गया। नहीं खबर
जरीना, आखिर वो मनहूस रात आ ही गई जिसका मुझे डर था। आज तूने गुनाहों के भयानक गार की तरफ अपना कदम बढ़ा ही दिया। तुम औरत हो या कोई भला, जब देखो शैतान की तरह सामने। नादान जरीना, होश में आ। कमान से निकले हुए तीरों की तरह वक्त के गुजरे हुए लम्हे कभी लौट कर नहीं आया करते। अगर इस वक्त तेरा पांव घर से बाहर निकल गया तो सारी जिंदगी तुझे अंधेरों में भटकना पड़ेगा। मैं कहती हूँ मेरे इरादों से टकराने की कोशिश मत करो। मैं तेरे खौफनाक इरादों के सामने वो आहनी दीवार हूँ जिससे टकरा टकरा कर तू अपना माथा लहूलुहान भी कर लेगी तो दीवार नहीं हटेगी। जा अपने कमरे में वापस लौट जा। खतरा मालूम होता है, हमें यहाँ से फौरन भाग जाना चाहिए। तू यूं नहीं मानेगी कमीनी चुड़ैल कमजार, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। जरीना, ये क्या हो रहा है? आओ मम्मी, अपनी बहू के करतूत देखो। अगर मैं ऐन वक्त पर ना जाती तो आज इस खानदान की आबरू मिट्टी में मिल चुकी होती। लेकिन हुआ क्या? अब्बा जान, ये ना मुराद घर का जेवर और रुपया चुरा कर ना जाने कहाँ भाग रही थी। मैंने सर से आ पकड़ा तो मेरे गले का हार हो गई। ये झूठ है, बकवास है, बहतान है। अरे मैं तो पहले ही जानती थी तू पक्की चोर है। क्यों जी, अब तो यकीन आया कि उस रात बटुआ भी इसी ने चुराया था। जी चाहता है तेरी बोटियां लौट लूं। नीच कमीनी, चोरों की औलाद। अपनी मेरी बात तो सुनिए। अब तेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, निकाल दो इसे घर से बाहर। ठहरो अशरफ, दुनिया को अपनी बेइज्जती का तमाशा न दिखाओ। हम सुबह इसके माँ बाप को बुलाकर उनकी ये सौगात उन्हीं को सौंप देंगे। चलो सब। अब्बा जान, आप ही मेरी बात सुन लीजिए। तू क्या बात सुनाएगी, आवारा चोर, चल। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे कभी यकीन न आता कि मेहताब ने चोरी की। मैं कानों को झुटला सकता हूं मगर आंखों को नहीं झुटला सकता। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि मेरा खून इतना गंदा हो सकता है? हाँ हाँ, खून तो हमारा गंदा है, तुम्हारा खून तो माशाल्लाह बहती नदिया की तरह साफ है। लोग इसे कहते हैं चोरी और सीना गोरी। मेहताब, तू बोलती क्यों नहीं कि उस दिन की तरह आज भी तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? मुझे कोई बोलने भी दे भैया, मैं तो रात से चीख चीख के मर गई हूँ, पर मेरी कोई सुनेगी? अरे तू क्या सुनाएगी, बात तो यूँ कर रही है जैसे रात के अंधेरे में नकदी और जेवर लेकर तू नहीं मेरी बेटी भाग रही थी। इसका जवाब भी अपनी बेटी से पूछो। खबरदार जो मेरी बहन पर उंगली उठाई, अपना इल्जाम मेरी बहन के सर थोपना चाहती है। अरे इस पर खुदा की माँ, देखो तो सही इतनी बड़ी बात कह दी है इस कलमोई ने मेरी बच्ची को। एक जलील और भूखे नंगे खानदान की बेटी से और तवक्को भी क्या हो सकती है? अशरफ भैया, अगर मेरे खानदान के बारे में कुछ और कहो तो गर्दन काट दूंगा। भैया तू क्या समझता है, मैं साफ सफाई मर जाऊं? भैया वो भी सुनता है क्या? तू भैया अच्छा बहन, अगर तेरी यही मर्जी है तो मैं अपना सर भी कटवाने को तैयार हूँ। मेरे भैया, माफ कर दे मुझे मेरे भैया, माफ कर दे। चल ताबू, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ गरीबी और अमीरी का निभा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, ले जा इस कमीनी को मेरी आंखों के सामने से। हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। तेरे मिजाज को दौलत का बुखार चढ़ा हुआ है बुढ़िया, लेकिन याद रख एक दिन नीली छतरी वाला तेरा ये बुखार जरूर उतारेगा। चल अब्बा। नहीं नहीं कलमू बेटे, लड़कियां अपने ससुराल ही में अच्छी लगती हैं। नहीं अब्बा। हाँ हाँ ले जा दूर दफा, ले जा अपने सौगात को। ये क्या मस्करापन है? ये मस्करापन नहीं, आज मेरे मजबूत बाजू एक बड़े बाप की मगरूर बेटी को एक शरीफ आदमी की बीवी बनाने आए। तुम्हारी आंखों में खून क्यों उतरा हुआ है? मैं खूनी, मैंने खून किया है। किसका? अपनी बेगैरती का, अपनी बर्दाश्त का, तुम्हारे बुद्धू और गुलाम शोहर का। आज चोरू का गुलाम चौधरी कर्मुद्दीन मर गया है,
और कर्मू जिंदा हो गया है। अब कर्मू अपनी बीवी को लेने आया है और लेकर जाएगा। तुझे मेरे साथ झोपड़ी में रहना होगा और दाल साग खाकर गुजारा करना होगा। चल मेरे साथ। नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। कर्मू में इतनी ताकत है कि वो अपनी बीवी को अपना हुक्म मनवा सके। चौधरी खैरदीन की बेटी, कान खोल के सुन ले। तो दौलत में मुझसे ज्यादा है, ताकत में नहीं। मैं तुझे जबरदस्ती उठा कर ले जाऊंगा। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। पहले देख अपने कर्मों की ताकत। देखिए अपने कर्मों की ताकत। अब तो यहां रहेगी। एक शादीशुदा औरत का असली घर ससुराल में होता है। मेरे झोंपड़े में रहकर तुझे मालूम होगा कि बीवी क्या होती है, हामिद किसे कहते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। मैं रखूंगा और जरूर रखूंगा। कल तक मैं तेरा गुलाम बनकर तेरे घर रहा, आज से तू मेरी बीवी बनकर मेरे घर रहेगी। ये तू क्या कर रहा है कर्मू? होश की दवा कर। भला मेरी नाजुक मिजाज बहू इस टूटी फूटी झोंपड़ी में कैसे रह सकती है? हाँ भैया, माँ ठीक कहती है। मेरी महलों में रहने वाली भाभी भला इस झोंपड़ी में कैसे रह सकती है? देख ताबो, मियाँ बीवी के दरमियान कोई ना बोले। मैं इसे इसी झोपड़े में रखूंगा और घर के सारे काम धंधे इसे सिखाऊंगा और इसी से करवाऊंगा। अरे जरा जोर जोर से रगड़े लगा ना। बाजुओं के पट्टे इतने ही मजबूत हो जाएंगे जितना जोर लगाओगी। जान बन जाएगी जान मेरी तरह। वाह वाह वाह, ये बात हुई ना। अब तू टेढ़ी गरल से सीधी गरल बनी है दुल्हन रानी। क्यों मेरी भाभी को तंग कर रहा है? अल्लाह भाभी मैं पीती हूँ। खस्ता भी और करारी भी। वाह वाह, मुझे तो अपने करारे करारे गोलगप्पों का जवाब भी भूल गया। मैंने देखो ये करारे निभा। तुम हट जाओ भाभी, माफ करो मुझे। ये बात हुई ना भाई, अपना काम आप ही करने में मजा आता है। बेगम मेरा दम सलामत रहा ना तो घर के वो सारे काम सिखा दूंगा जो तेरी माँ ने भी ना सीखे होंगे। उस लफंगे की ये मजाक कि मेरी लाडली बच्ची को जबरदस्ती उठाकर अपने झोंपड़े में ले गए। मैं कहती हूँ चलो ना मेरे साथ, मैं उसके सारे खानदान की खबर लूँ। हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अजीजा कर्मू की बीवी है, वो अपनी बीवी को जहाँ चाहे रखे। मैं उस मुंडी कांटे की गर्दन ना मरोड़ दूं तो मेरा नाम अल्लाह रखी नहीं। तुम नहीं जाते तो ना जाओ, मैं अपना अशरफ को साथ लेकर चली जाऊंगी। अशरफ को तो अपनी ही अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलती, वो दिन रात घर से गायब रहने लगा है। वो बाप की दौलत और बेजुबान बीवी के हकूक को सरे बाजार लुटवा रहा है। लेकिन तुम्हें यह किसने बताया? मुझे भी किसी ने बता ही दिया है बेगम। मैंने तो उसका वो ठिकाना भी मालूम कर लिया है जहाँ वो जाके अय्याशी करता है। मैं उसका मिजाज दुरुस्त कर दूंगा, उसके दिमाग में समाया हुआ सारा फतूर निकाल दूंगा। नहीं भैया, तुम मुझे कुछ ना कहना। क्यों ना कहूँ? वो तेरे सुहाग को पैरों तले राउंड कर आवारा औरतों के पीछे फिरे और मैं उसे कुछ ना कहूँ? खदीजा ने मुझे जब से ये बातें बताई हैं, आग लग रही है मेरे सीने में, खून खौल रहा है मेरा। नहीं बेटे, तू वहाँ मत जा। तेरी जुबान से कोई अच्छा बुरा लफ्ज निकल गया तो खामखा रंजिश होगी। नहीं अब्बा, मैं जरूर जाऊंगा, तुम देखना मैं क्या करके आता हूँ। नहीं भैया, बहुत देर कर दी यार, कहीं इरादा तो नहीं बदल गया लौंडिया का? अरे नहीं प्यारे, हम ऐसे कच्चे डोरे नहीं डाला करते, जरा मालवाल समेट रही होगी। सामान लेकर भाग जाएगी। अजी तुम चलो तो सही। तो
सरीना, सरीना, हाय अल्लाह, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? तेरी बच्ची मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाने गई है। यकीनन उस रात भी जरीना का इल्जाम मेहताब पर लगा था। जरा नौकरों को जगाओ जी, बाहर देखो उसे। बदमाश कमीने, तू इसे यहां आया है? अशरफ, अपने घर में आग लगे तो आदमी के दिल पर क्या गुजरती है, यही आग एक दिन मेरे दिल में भी लगी थी। लेकिन मैंने तुम्हारा खून नहीं किया था, मैं अपने ही खून के घूंट पी कर रह गया था। याद कर वो दिन जब तूने मेरी नेक चलन बहन पर चोरी और बदचलनी का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। अब तुझे मालूम हो गया होगा कि गुनहगार मेरी बहन थी या तेरी। ये कुदरत का इंतकाम है अशरफ, जानते हो अब तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिलेगी? खूनी और कातिल की सजा मौत है, अब तुम्हें फांसी होगी। फांसी? हाँ। मुझे बचाओ करमो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? खुदा और उसके रसूल को गवाह ठहराकर मुझसे वादा करो, आइंदा तुम इन बदकारी के अड्डों पर कभी नहीं आओगे, शराब कभी नहीं पियोगे, अपनी नेक और शरीफ बीवी को घर में आबाद करोगे, उसे हमेशा खुश रखोगे। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है करमा, मैं कसम खाकर वादा करता हूं आइंदा शराब नहीं पीऊंगा, कभी इन बदकारी के अड्डों पर नहीं आऊंगा और अपनी नेक बीवी को हमेशा खुश रखूंगा। तो फिर लाओ ये पिस्तौल मुझे दे दो, कातिल मैं हूं, ये खून मैंने किया, कानून मुझे पकड़ेगा, फांसी की सजा मुझे होगी। तुम जरीना को लेकर चुपचाप यहां से चले जाओ। नहीं,
मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मेरी जगह तुम फांसी पे लटक जाओ। सौदा हो चुका अशरफ, मैं अपनी बहन के सुहाग की कीमत अदा कर रहा हूं। मेरे नजदीक मेरी बहन का सुहाग मेरी जान से ज्यादा कीमती है। जाओ अशरफ, पुलिस के आने से पहले यहां से भाग जाओ, जाओ जाओ। स्टेशन मॉडर्न कॉलोनी। जी क्या कहा? मॉडर्न कॉलोनी में कोठी नंबर 11 में खून हुआ है। जी अभी पुलिस पहुंचती है। खैरू भैया, तुम तो अच्छी तरह जानते हो करमू मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर उसकी जान को कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। बुंदू भैया, तुम तो देख रहे हो मैंने मुकदमे की पैरवी में कोई कसर उठा नहीं रखी। अब करमू सेशन सुपुर्द हो गया है। अल्लाह से दुआ कि वो उसके हाल पर रहम करे। अजी तुम क्यों उसके गम में हलकान होते हो? वो लफंगा तो सूरत ही से खूनी और गुंडा मालूम होता है। अच्छा है मर जाए तो मेरी बेटी को छुटकारा मिले। मम्मी ऐसे बुरे कलमे मुंह से क्यों निकालती हो? अच्छा तो तुझे भी उस बदमाश पे प्यार आने लगा? हाँ मम्मी, वो अजीजा का शौहर है और उससे हमदर्दी करना अजीजा का फर्ज है। हाँ हाँ, अब तो तुम भी यही कहोगे, तुम्हारे दिल में भी बहनोई का दर्द उठेगा। खबरदार जो किसी ने मेरे सामने उसकी हमायत की तो। हाँ मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। परवरदिगार, तेरा नाम गफूर रहीम है, तू अपने बंदों पर हमेशा रहम करता है। जब दुनिया में किसी का कोई सहारा नहीं होता तो तुझी को पुकारता है। इलाहुल आलमीन, मुझ गुनाहगार की भी पुकार सुन ले। मेरे गरीब माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा मेरा जवान भाई है। अगर उनसे उनका वो सहारा भी छिन गया तो उनकी जिंदगी दूभर हो जाएगी। ऐ रब्बे करीम, जब तू हजरत मूसा को फिरौन की गोद में परवान चढ़ा सकता है, हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए आग को गुलजार बना सकता है, तो तुझ में ये भी कुदरत है मेरे भाई को बचा ले। मैं तेरे सिवा और किसी से पुकार नहीं कर सकती, किसी से इल्तिजा नहीं कर सकती। तू ही इंसाफ करने वाला है, तू ही रहम करने वाला कादिर मुतलक है। सेशन सुपुर्द हो गया है, अब वो मुजरिम साबित हो जाएगा। कानून उसे पूरी पूरी सजा देगा। हालांकि वो बेगुनाह है, खूनी और कातिल तो मैं हूं। उसने मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर सारा इल्जाम दिया है। अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। अगर उसे फांसी हो गई तो ईमानदारी से अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। मैंने ही यूसुफ के सीने पर गोली चलाई और वो मेरे ही पिस्तौल की गोली से हलाक हुआ। लेकिन तुम्हारे वकील ने तुम्हारी सफाई में यह साबित करने की कोशिश की है कि तुम आवारा और बदचलन नहीं। फिर असमत फरोशी के उस प्राइवेट अड्डे पर तुम कैसे पहुंचे? उस अड्डे पर मुझे तकदीर धक्के देकर ले गई थी आलीजा। मकतूल यूसुफ से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वही दुश्मनी आलीजा जो एक शरीफ आदमी को बदमाश आदमी से हो सकती है, वो इंसानियत और शराफत का दुश्मन था आलीजा। इसके सिवा अपनी सफाई में कुछ और कहना चाहते हो? मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कहना चाहता आलीजा, कि मैं अपनी मौत को हंसी खुशी सीने से लगाऊंगा इस तवक्को और यकीन के साथ कि मेरी बहन का सुहाग महफूज रहेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा शाद व आबाद रहेगी। लेकिन तुम्हारे जुर्म से तुम्हारी बहन का क्या ताल्लुक है? इसका जवाब मैं दूंगा आलीजा। मुझे मुल्जिमों के कटहरे में खड़े होकर कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। अशरफ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा जमीर जाग उठा है करमू भैया। तुम्हारे जज्बे ने मेरी आंखें खोल दी है। अगर तुम अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए अपना सर मौत के शिकंजे में दे सकते हो तो मैं भी अपनी बहन के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। आलीजा, मुजरिम मैं,
यूसुफ का कत्ल मैंने किया था, करमू बेगुनाह। नहीं नहीं लालीजा, अशरफ झूठ कहता है। आर्डर आर्डर। मैं जानता हूं लालीजा, मेरे इस बयान पर सभी चौंक उठेंगे, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। उस कोठे पर मेरा आना जाना था, नगीना से मेरा ताल्लुक था। एक रोज जब मकतूल यूसुफ मेरी मौजूदगी में मेरी ही बहन को अगवा करके बदकारी के उस कोठे पर ले आया, तो मेरी गैरत जोश में आ गई और मैंने उसे हलाक कर दिया। ये इत्तफाक की बात है आलीजा, मेरा बहनोई उसी वक्त मेरी तलाश में वहां आन पहुंचा और इसने अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए वो खून अपने सर ले लिया। अशरफ को गिरफ्तार करके मुकदमे के नए सिरे से तफ्तीश की जाए। आइंदा पेशी के लिए मई की 25 तारीख मुकर्रर की जाती है। उफ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? कितनी बड़ी गुनाहगार हूं मैं। मेरा वजूद सारे खानदान के लिए मुसीबत बन गया है। हाँ, ये सारी मुसीबत तेरी वजह से आई है। ये सारा घर तेरी याद में चल रहा है। याद कर वो भयानक रात जब तूने उस आवारा बदमाश के साथ घर से भागने के लिए कदम निकाला था। मैंने तुझे रोकने की कोशिश की, तूने उल्टा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तेरे मासी की स्याही मेरे मुंह पर थोप दी गई और मैं फिर भी चुप रही। भाभी जरीना, मैं भी एक औरत थी जिसने दूसरी औरत को जिल्लत से बचाने के लिए जमाने भर की रुसवाई अपने दामन में समेट ली। तू भी एक औरत है जो बुजदिलों की तरह मुंह छुपाए घर में बैठी है। क्या तेरे सीने में जमीर नाम की कोई चीज नहीं? क्या तेरे अंदर की औरत हमेशा के लिए दम तोड़ चुकी है? आखिर तुम चाहती क्या हो भाभी? बताओ मैं क्या करूं? वही कर जो इंसाफ चाहता है, जो एक औरत और एक बहन का फर्ज चाहता है। तू मौके वारदात पर मौजूद थी, तू जानती है कसल कातिल कौन है। एक तरफ तेरा भाई है, दूसरी तरफ बहनोई। तेरी एक मुट्ठी में बहन का सुहाग है, दूसरी मुट्ठी में भाई की जिंदगी। और ये फैसला तुझे करना है कि जिए तो कौन जिए और मरे तो कौन मरे। काश मुझे को मौत आ जाए। नहीं, तू जिंदा रहेगी अपनी नादानी का मातम करने के लिए, अपने गुनाहों पे आंसू बहाने के लिए। अगर तेरी वजह से कोई बेगुनाह फांसी पे चढ़ गया तो उसकी रूह तुझे नींदों में डराया करेगी। तेरा जमीर दिन रात उस पर मलामत किया करेगा। तू जीना चाहेगी तो जिंदगी तेरे लिए अजाब बन जाएगी, मरना चाहेगी तो मौत उससे दूर भागेगी। बस करो भाभी, बस करो। मेरे दिल पर और चरके न लगाओ। मैं जानती हूँ कातिल कौन है। मुझे इल्म है यूसुफ को किसने हलाक किया था। मैं कानून को इंसाफ का रास्ता दिखा सकती हूँ। मैं बेगुनाह को फांसी के फंदे से बचा सकती हूँ, बचा सकती हूँ। आलीजा, मुलजिम चौधरी अशरफ अली अपने बयान में इकबाल जुर्म कर चुका है। अगर पुलिस मुकदमे के मफरूर गवाहों को ढूंढने में कामयाब हो जाती तो ये फैसला आसानी से किया जा सकता था कि कातिल कौन है। हमारे पास ऐनी शहादतों में मुलजिम अशरफ अली की बहन जरीना है, जिसका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है। आलीजा, मेरे पुराने बयान को गलत समझा जाए और अदालत के रिकॉर्ड के लिए मेरा नया बयान कलमबंद किया जाए। क्या कहना चाहती हो? आलीजा, मुझे ये कहना है कि मेरे बहनोई की तरह मेरा भाई भी बेगुनाह है। गुनाहगार मैं हूँ, यूसुफ को मैंने हलाक किया है। सरीना। आड़ा, आड़ा। लड़की, क्या तुम होश में हो? जी आलीजा, मेरे होश हवास पूरी तरह कायम है। लेकिन तुम्हारे पहले बयान से साबित होता है कि तुम्हें यूसुफ से मोहब्बत थी, फिर तुमने उसका खून कैसे किया? आलीजा, वो एक दगाबाज डाकू लुटेरा था, उसने मेरी जिंदगी पर डाका डाला, मेरी जवानी को फरेब दिया, मेरे इतबार और मेरी इज्जत का खून किया। उसने मुझे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए और मैं घर से निकल खड़ी हुई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो दगाबाज मुझे मोहब्बत के बस खरीद कर दौलत के बदले बेच डालेगा। जब मेरे भाई ने मुझे उस बदकारी के अड्डे पर देखा तो उसका खून खौल उठा, उसके मुंह से गैरत भरी चीख निकली। यूसुफ ने उस चीख का जवाब अपने पिस्तौल की गोली से देना चाहा। मेरे भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। यूसुफ के साथी बदलू ने मेरे भाई पर अपने पिस्तौल से वार करना चाहा, लेकिन वो पिस्तौल मेरे हाथ आ गया। यूसुफ और बदलू मेरे भाई को हलाक करना चाहते थे। भाई की जान खतरे में देखकर मैंने पिस्तौल चला दिया और उसी वक्त मेरे भाई ने भी पिस्तौल चलाया।
लेकिन उसके पिस्तौल की गोली खता गई और मेरे पिस्तौल की गोली यूसुफ का कलेजा चीर गई। फिर क्या हुआ? यूसुफ लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बदलू दोनों औरतों को अपने साथ लेकर भाग गया। मेरे भाई को यकीन था कि यूसुफ उसकी गोली से हलाक हुआ है, चुनाचे उसने जोश में आकर मुझे भी हलाक करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो मुझे हलाक करता, मेरा बहनोई कर्म वहां पहुंच गया और उसने अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए मेरे भाई का जुर्म अपने सर ले लिया। अब असल मुजरिम आपके सामने है, आप इंसाफ और कानून का तकाजा पूरा करें। तुम्हें और कुछ कहना है? मैं कुछ और कहने से पहले वो पिस्तौल अदालत के सामने पेश करना चाहती हूँ जो मैंने बदलू से छीना था। लेकिन ये पिस्तौल अदालत के हवाले करने से पहले मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहती हूँ, और मेरे गुनाहों का कुफारा मेरी मौत है। करीना, मेरी बच्ची। करीना। अदालत, इस मुकदमे की पूरी रुदात सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि यूसुफ की मौत जरीना के पिस्तौल से निकली हुई गोली से वाकई हुई है। अगर जरीना को जरा सा भी यकीन होता कि यूसुफ की मौत उसकी गोली से नहीं हुई तो वो अपने आप को इतनी बड़ी सजा कभी ना देती। अलावा भी अगर जरीना अपने आप को हलाक न भी करती तो तीन इकबाली मुजरमों की मौजूदगी में करमू और अशरफ को शक का फायदा देते हुए भी बरी किया जा सकता था। लिहाजा जरीना की मौत के बाद करमू और अशरफ को बाइज्जत बरी किया जाता है। खातिर अपनी जान तक लुटा देने को तैयार था और मुझे यकीन था कि अशरफ अब तुझे घर में जरूर बसा लेगा, मगर अफसोस उसने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। कर मैं तो आपको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। शरीफन बहन, आज तू भी मेरी समधन बन के मेरे गले से लग जा। आए मेरी बहन, अल्लाह रखे, मैं औरत हूँ किसी और मिजाज की। शुक्र है खुदा ने तेरा मिजाज भी दुरुस्त किया। बुद्धू भैया, खैरू मेरा यार। कौन है जी? करमू की बीवी अजीजा। अच्छा आप बताओ, झोंपड़ी में रहोगी या महल में? झोंपड़ी में। हा हा हा, जिंदाबाद। मर्द ठीक हो ना तो बड़ी से बड़ी टेढ़ी गरल भी यूं सीधी गरल हो जाती है। अब मैं तेरे लिए इस झोंपड़ी को महल बना दूंगा। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे।